जब एक आत्मा मृत्यु के बाद उस गुरुजन सभा में होती है जहाँ पे उसके कर्मों का, उसके जीवन का हिसाब किताब किया जा रहा है, आप ये मानकर चलिए कि जिसने जीवन जिया था वो कोई और है और जो अब गुरुजन सभा के सामने खड़ा है वो कोई और है। इसलिए क्योंकि इस धरती पर हम सब कुछ भूलकर अपने मानवीय मस्तिष्क के साथ कार्य कर रहे थे और वहाँ जो गुरुजन सभा में खड़ा है वो सब कुछ याद रखते हुए अपने आत्मिक मन के साथ अपने जीवन के कर्मों का लेखे जोखे को सुन रहा है और बता रहा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी ड्राइवर ने बेहोशी में कार ड्राइव करी, कैसी ड्राइव करी उसे नहीं पता क्योंकि उसने बेहोशी में करी, लेकिन जब वो अदालत में पहुँचा तो अब वो होश में था, अब उसने ड्रिंक नहीं करी हुई थी, अब वो होश में अपना जो कुछ उसने किया था बता रहा था और जो फैसला जज का था वो सुन रहा था। तो इसमें जो फ़र्क है वही फ़र्क है कि जब हम गुरुजन सभा में हैं तो अपने आत्मिक मन के साथ हैं, धरती पर हैं तो अपने मस्तिष्क के साथ कार्य कर रहे हैं। अपने पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं इंसान जैसे धरती पर करता है लेकिन गुरुजन सभा में उनकी गिनती नहीं होती। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक माध्यम ने इसके उलट भी कहा था। उसने ये कहा था कि हमारी छोटी से छोटी गलती का, जो कुछ भी हमने जाने या अनजाने किया है, उसका भी हिसाब रखा जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे माध्यम हुए जिन्होंने कहा कि गुरुजन सभा में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें गिना ही नहीं जाता। मतलब हम धरती पे करते हैं तो हम सोचते हैं हम कसूरवार हैं, हमने तो ये कर दिया, लेकिन जब हम अदालत में होते हैं उस परमात्मा की तो उन गिनतियों को किसी कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता, उन्हें काउंट ही नहीं किया जाता, उनकी चर्चा ही नहीं होती। अब इस चीज़ को सभी माध्यम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, हम इंसान हैं, हम हर चीज़ को ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन परमात्मा के न्यायालय में किसी कार्य को करने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, भावना क्या थी और हमारी करने की कैपेसिटी क्या थी, उसके मुताबिक आपके उस कर्म की जाँच की जाती है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। इसीलिए ये जो एक विरोधाभास है, किसी ने कहा कि एक छोटी छोटी गलती का मूल्यांकन किया जा रहा है, छोटी छोटी अनजाने में की गई गलती का भी मूल्यांकन किया जा रहा है, और बहुत सारों ने ये कहा कि कुछ गलतियां तो ऐसी थी गिना ही नहीं गया है। इसके पीछे की वजह यही थी कि आपकी करने की कैपेसिटी क्या थी, आपकी करने की मंशा क्या थी, इन चीज़ों के आधार पर आपकी सभी जो भी कार्य आपने किए गलत या सही उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। धरती पर आप इस नज़र से नहीं सोचते ना, धरती पर तो आपको हर चीज़ प्रत्यक्ष चाहिए, जो रिजल्ट निकल के आ गया उसे आपने सत्य मान लिया। मान लीजिए आपकी जेब में 10 रुपये का नोट था और आपने उसमें से 5 रुपये में किसी की मदद कर दी, और कोई दूसरा व्यक्ति था उसकी जेब में 2000 का नोट था, उसने 50 रुपये से किसी व्यक्ति की मदद कर दी। ऊपरी तौर पर हम लोगों के लिए तो ये उस व्यक्ति ने ज़्यादा मदद करी, क्यों, क्योंकि उसने 50 रुपये से मदद करी, दूसरे ने कम करी क्योंकि उसने 5 रुपये से करी, लेकिन परमात्मा के न्यायालय में इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा। वहाँ ये देखा जाएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या थी करने की, उसके पास 10 ही रुपये का नोट था फिर भी उसने 5 रुपये खर्च किए, उसने अपनी कैपेसिटी से बढ़कर किया, मंशा कितनी प्योर थी, खुद कम होते हुए भी किया, उस कर्म की पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा है। और वो व्यक्ति जिसकी मंशा शायद ये थी कि कोई मुझे देख ले, कोई मेरी तारीफ़ कर दे, शायद ये मंशा थी, और उसकी जेब में 2000 का नोट था फिर भी उसने 50 रुपये से मदद करी है, तो यहाँ उसकी सकारात्मक ही कर्म है लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो कमतर है, उसे कम करके आंका जाएगा। इसी तरीके से जब हम धरती पर होते हैं तो हमारी मजबूरी थी, हम किसी गलतफहमी में थे, हमारा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह था, लगाव था, हम क्या करें, इसलिए हमने ये कार्य कर दिया। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, या कह लीजिए सच्चे भी होते हैं, बहाने नहीं भी होते, शायद हमारे मन की सच्चाई भी होती है, ये इस धरती पर होता है। लेकिन जब आप उस न्यायालय में खड़े होते हैं परमात्मा के, तो ये मेरी मजबूरी थी, ये मैं गलतफहमी में था, ये मैं मोह में पड़ा हुआ था, आप इस तरह की बातें नहीं करते। आप इन चीज़ों का सहारा लेकर अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ आपका मन काम कर रहा है, आपका आत्मिक ऊर्जा, आपके आत्मिक मन काम कर रहा है। गुरुजन सभा में पहले से ही हमारे गुरुजन इस बात का एक निचोड़ सा निकाल कर बैठे होते हैं कि अब हमारे को कौन सा शेर मिलेगा, कौन सा वातावरण मिलेगा, कौन से लेसन मिलेंगे। चाहे ये रबर स्टैंप की तरह नहीं होता, ये नहीं कि गुरुजन ने अगर ये चीज़ फ़ैसला हमारे लिए लिया हुआ है तो उसमें हमारी राय कोई अहमियत ही नहीं रखती, हम कोई फ़ैसला लेंगे ही नहीं, लेकिन उनके फ़ैसले बहुत
प्योर होते हैं, आत्मा के लिए गुंजाइश नहीं होती कि वो उन फैसलों के खिलाफ खड़ी हुए, क्योंकि वो खुद भी अब सत्यता के साथ वाकिफ है और सत्यता के साथ ही सारे फैसले ले रही है। तो रबर स्टैम्प की तरह नहीं है कि जो फैसला ले लिया गुरुजन ने वो आखिरी है, लेकिन फिर भी गुरुजन हमारे लिए आने वाला जीवन, उसका वातावरण, उसमें हमारे लेसन, इन सबको पहले से ही हमारे लिए तय करके रखते हैं। एक आत्मा का अपने गुरुजनों को अपने जीवन की कठिनाइयों का और मजबूरियों का बताना वो अलग है, और इनकी आड़ लेके अपने गलत कर्मों को सही साबित करना वो अलग है। इसलिए आत्मा अपनी मजबूरियां बताती है, अपनी कठिनाइयां बताती है, अपनी मेजबान दे जो उसे मिली है उसकी क्या दायरा है वो बताती है, सब कुछ चर्चा करती है, लेकिन इनका सहारा लेकर अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालती है। अब हमारे गुरुजन क्या जांचते हैं? वो ये जांचते हैं कि जैसे हम एक आत्मा हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, हमने अनगिनत जीवन लिए हैं और लेंगे, तो ये जो एक सत्यता है कि सब कुछ यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे हमें तो लगता है ना उम्र ख़त्म, सब ख़त्म, सब ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे कंटिन्यू है, इस सच्चाई को जानते हुए हमने जीवन में कौन से मूल्य अपनाए, कौन से आदर्श अपनाए, कौन से कार्य करे, किन शर्तों के साथ काम किया, ये चीज़ हमारे गुरुजन सभा हमारे लिए जांचते हैं। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं ना, ज़िंदगी बस इतनी सी है, 80 साल, 90 साल, इस नज़र के साथ आप काम करेंगे तो कुछ और ही होगा, और जब आप इस नज़र के साथ काम करते हैं कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे इसका नतीजा एक दिन मिलने वाला है, क्योंकि मेरे जीवन का अंत नहीं है, इस नज़र के साथ आप करेंगे आप कुछ और करेंगे, और सिर्फ ये सोचते हुए कि बस यही 80 साल 90 साल का जीवन है आप करेंगे, आप कुछ और करेंगे, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि मन और दोनों का आपस में कितना उपाय है, क्योंकि जैसा कि हम ये बात जानते ही हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है उसी समय हमारा मार्गदर्शक जो उसे मेजबान शरीर मेरा मस्तिष्क मिला है उसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है, क्योंकि जहाँ तालमेल अच्छा बैठा होता है मस्तिष्क और मन का, वो लोग जीवन में को भौतिक रूप से तो सफल होते ही होते हैं, साथ में वो लोग आध्यात्मिक रूप से भी शांत और सरल बने रहते हैं अपने जीवन में। और जिन लोगों का मन और मस्तिष्क आपस में सही घुलमिल नहीं पाते, तो वो जीवन में चाहे भौतिक सफलता हासिल कर भी लें तो भी एक आंतरिक तौर पर शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे गुरुजनों को इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनी इस जीवन यात्रा के दौरान हम कितनी बार अपनी जो हमने तरक्की करनी थी उससे नीचे गिर गए, कितनी बार हम गिरे ये बात महत्व नहीं रखती, लेकिन कितनी बार हम ज़्यादा ताकत के साथ उठ खड़े हुए ये बात महत्वपूर्ण है। अब इस भौतिक जीवन में तो हर सेकंड, हर पल इतना कुछ सामने आ रहा है कि आपको आपकी जो स्तर है तरक्की का उससे नीचे गिरा दें, लेकिन आप कितनी बार मुश्किल परिस्थितियाँ आने के बावजूद गिरकर भी उठकर खड़े हो गए हैं, ये चीज़ गुरुजन सभा में महत्व रखती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकेंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है, जिसमें इसी तरह के ज्ञान की बात है लेकिन बहुत सरल भाषा में है, जिसे हम आसानी से सुनकर समझ सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।